जेडीएस किचन चैनल में आप सभी स्नेही जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस फरसाण सुरती खमण, सुरती वाटी दाड़ना खमण। इस सुरती खमण ढोकला को बिल्कुल बाजार जैसा सॉफ्ट, दानेदार, जालीदार और स्वादिष्ट बनाने का बिल्कुल नया तरीका, जो आपने पहले कभी भी देखा नहीं होगा। तो सबसे पहले एक कप चने की दाल को 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है और 4 घंटे के बाद इस दाल को हम कपड़े पर फैलाकर सुखाएंगे। इस दाल को सूखने के लिए करीब 12-15 घंटा लगेंगे और दाल को अच्छी तरह से सुखाने के बाद कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा दिखेगा, दानेदार। ये थी पहली टिप। अब इस दरदरे आटे में हम मिलाएंगे दही। करीब 1/2 कप दही मिलाएंगे। ये दही खट्टा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ये है दूसरी टिप, अच्छी तरह से मिला लेंगे। गुनगुना गर्म पानी डालेंगे और फिर से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। हमारा बैटर ज़्यादा पतला ना हो, इस बात का ध्यान रखें। स्वादानुसार नमक डालेंगे और मिला लेंगे। ये बेसन है, 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए और थोड़ा पानी डालकर फिर से मिला लेंगे। दोस्तों, ढोकले के बैटर को हाथों से बीट करने से फर्मेंटेशन अच्छा होता है। अब इस बैटर को हम कवर करेंगे और फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे 10-12 घंटे के लिए। देखिए, हमने रात भर इस बैटर को छोड़ दिया था फर्मेंट होने के लिए। हमारे सुरती खमण का बैटर कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इस सुरती खमण में खटास के लिए हम लेंगे 1 टीस्पून साइट्रिक एसिड, यानी कि लिंबूना फूल, और इस खटास को बैलेंस करने के लिए ऐड करेंगे 3 टीस्पून शक्कर। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। अब इस पानी में साइट्रिक एसिड और शुगर को पिघलाकर साइड में रख देंगे। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और ये है 2 हरी मिर्च जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और 4-5 लहसुन की कलियाँ। इन दोनों को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे या दरदरा कूट लेंगे और बैटर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। 1 टेबलस्पून पीनट ऑयल डालेंगे, जो हमारे सुरती खमण को मॉइस्ट रखेगा, और फिर से मिला लेंगे। दोस्तों, बैटर की कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना। ये है 3 टीस्पून साइट्रिक एसिड और शुगर का मिश्रण, हल्की सी खटास और मिठास के लिए। उसे डालकर अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 3 टीस्पून और डालेंगे और फिर से फेटेंगे, अच्छी तरह से फेटेंगे। साइट्रिक एसिड की वजह से हमारे वाटी दाल के खमण टेस्ट में बिल्कुल बाजार जैसे ही बनेंगे। चख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरी नई रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब आखिर में डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और उसके साथ साथ 1 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट। इनो को डालकर फिर से अच्छी तरह से फेटेंगे। एक पैन में हमने पानी को उबालने के लिए रख दिया है।
और एक स्टील की थाली को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और तुरंत डालेंगे इस थाली में जिसको हमने ऑयल से ग्रीस करके रखा था। सूरती खमण को हम भाप में पकाएंगे, करीब 20 मिनट लगेंगे और 20 मिनट के बाद हमारे गुजराती खमण तैयार है। इस खमण को हम ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद मनचाहे शेप में काट लेंगे। देखिए, सॉफ्ट, जालीदार और दानेदार, बिल्कुल हलवाई जैसे सूरती खमण तैयार है। कैसे दिखते हैं? अच्छे दिखते हैं ना। अब आखिरी काम, इस खमण पर हम तड़का लगाएंगे। ये है करीब 3 टेबलस्पून पीनट ऑयल। तेल गर्म होने पर डालेंगे आधा टेबलस्पून काली सरसों, मस्टर्ड सीड्स आधा टेबलस्पून। इसमें सरसों थोड़ी ज़्यादा लगती है। सुनिए, हमारी सरसों चटकने लगी है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून हींग और उसके साथ साथ डालेंगे 6-7 करी पत्ते और आखिर में डालेंगे शुगर और साइट्रिक एसिड का पानी जो हमने बचा के रखा था, उसे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लीजिए, हमारा तड़का तैयार है। गैस को बंद करेंगे। इस गर्मा गर्म तड़के को सूरती खमण के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारे सूरती वाटी दाल के खमण तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और बेसन की सेव से गार्निश करेंगे। तली हुई हरी मिर्च और प्याज से सजाकर सर्व करेंगे। देवियों और सज्जनों, आप इस खमन ढोकड़ा को जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। नमस्कार।